लास्ट का एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो मैंने उसको नहीं बताया वो है जो इस समय हम जी रहे हैं, जिसके ठीक बीच में हम हैं, इंडियन इलेक्शंस। कास्ट निकाल दो इलेक्शन में से, लोग परेशान हो जाएंगे, वोट किसको देना, काम पे वोट देना है, ऐसे कैसे। लोग एकदम उसके ठीक बीच में हम हैं और इस समय इलेक्शन चल रहा है और वर्ल्ड मीडिया बड़ा फैसिनेटेड होता है इंडियन इलेक्शन से कि ओ हो क्या बात है, डांस ऑफ डेमोक्रेसी जैसे एक ना बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा क्लासिकल डांस चल रहा है, यहां आके देखेंगे नंगा नाच हो रहा है। जो गंद मची हुई है जिसके ठीक बीच में हम लोग इस समय खड़े हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उन्होंने बोल दिया कि अगर आप कांग्रेस का बटन नहीं दबाओगे तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। गांव वालों ने बोला इसी बहाने बिजली तो आएगी। फिर एक हैं हेमा मालिनी हैं, उनको टिकट पता नहीं कहां से गिरा हुआ मिल गया उनको। ये उनका कैंपेन चल रहा है इस समय, उनको कहीं से लग रहा है पॉवर्टी पॉन इज द कैंपेन, वो जाके जगह जगह वो गांव वालों के साथ उल्टा हैंडपंप चला रही है कहीं पे। एक और फोटो है, बीजेपी ने बोला हैंडपंप छोड़ो ऐसा है उखाड़ने वाले को लाओ, तो वो सनी देओल को ले आए। इन्होंने कह दिया कि भैया ऐसा है कि देखिए हमने काम बहुत किया है मथुरा में लेकिन अब याद नहीं है। इसे समझ में आता है धर्मेंद्र के साथ रहोगे तो कैंटारो में भी विस्की तो मिलेगी। जिस जिस तरह के कैंडिडेट आए हुए हैं, हंसराज हंस एक कैंडिडेट है दिल्ली में, उसके अपने बेटे की शादी हो उसमें भी उसके गाने ना बजें। उसको कैंडिडेट बनाया हुआ है। लेकिन सबसे बड़े जो हैं हमारे जो मेन जो हैं इस समय, जो कि गोभी जी के कैंपेन में बड़ा फर्क है 2014 और 2019 में। 2014 का कैंपेन और 19 का काफी स्टार्क डिफरेंस है। 2014 का कैंपेन अगर हम देखें उनका टिंडर प्रोफाइल हम 2014 का देखते हैं कि वो किस तरह से आपको ना वू कर रहे थे, तो ये उनका टिंडर प्रोफाइल था 2014 में, बड़ा सॉफ्ट सा उन्होंने एक इमेज बनवाया था ऐसा ना, हम बड़े प्यारे से हैं, क्यूट से हैं, टेडी बेयर टाइप हैं ऐसे, और उन्होंने बड़ा सुंदर सा एक बायो भी लिखवाया था अपना प्रसून जोशी से, राइम में था, एकदम प्रॉपर राइम में था, 2 करोड़ जॉब लाए लाए, मंदिर वहीं बनाए बनाए, 15 लाख आए आए, आर्टिकल 370 जाए जाए, बाकी सब धाएं धाएं, और सबसे बड़ी है गाएं गाएं। ये उनका बड़ा प्यारा सा ऐसा अच्छा अट्रैक्टिव सा बायो था उस समय का। इसमें 2 करोड़ जॉब आए हैं, बिल्कुल आए हैं गौरक्षक, मंदिर वहीं बनाए बनाए उनका वादा था। ये 1992 से चल रहा है, अयोध्या फैजाबाद हाईवे पे राम जी ने अब 2 BHK ले लिया, पंद्रह लाख आए हैं मेरे अकाउंट में तो आए हैं, ट्विटर अकाउंट में गालियां, बाकी वादों पे धीरे धीरे आएंगे। लेकिन ये 2014 का उनका कैंपेन का पूरा एक वो था, फेस था। 2019 का कैंपेन देखते हैं कि किस तरह से चल रहा है। ये हालत हो गई है 2019 में, विवेक ओबरॉय के नाम पे वोट मांगने पड़ रहे हैं, विवेक ओबरॉय के नाम पे उसके मोहल्ले का किराने वाला आपको 5 रुपए की ऋण की टिकिया उधार में नहीं देगा। उसके नाम पे वोट मांगने की कोशिश हुई, इलेक्शन कमीशन ने फिल्म देखी, बोला ये मत रिलीज करो आपका नुकसान हो जाएगा। तो भी रोक ली उन्होंने। ये फिल्म का ट्रेलर आपने देखा होगा, उसमें एक बहुत फेमस लाइन जो बहुत मीम हो गया है उसका, मेरा गुजरात जल रहा है, लाइक नाथूराम गोडसे सेइंग मेरा गांधी मर रहा है। और बायो जो है, अब बायो उतना लंबा पोएटिक बायो अब सिमट के एक लाइन पे आ गया है, और ऑप्शन ही क्या है मित्रों।
सिर्फ यही बायो है। आप किसी से भी बात कर लो वो मानेगा कि हाँ भैया बहुत चौदह इन्होंने, लेकिन ऑप्शन क्या है। लेकिन सवाल सही है, ऑप्शन क्या हैं? कुछ आइडियलिस्ट लोग हैं यहाँ पे जो सोचते हैं आम आदमी पार्टी इज वन ऑफ द ऑप्शन। आम आदमी पार्टी के साथ प्रॉब्लम ये है कि इट इज लाइक अ कमल हासन फिल्म विद ऑल 11 कैरेक्टर्स प्लेड बाय अरविंद केजरीवाल। वो आदमी इतना रैंडम है कि मेरी बिल्ली बोलती कि भैया ये तो अनप्रिडिक्टेबल है। वो आदमी जो सुबह कांग्रेस को बोलता है अच्छा दोस्ती कर लेते हैं, शाम वो मना कर दे बोलता है तुम लोग तो मक्कार हो यार, तुम लोग तो चोर हो, तुमसे तो कभी बात ही नहीं हम करेंगे, तुम लोग तो एकदम ही उससे बी टीम हो ये हो। फिर अगले दिन फिर सुबह उठ के बोलता है अच्छा यार दोस्ती करें क्या, फिर कांग्रेस मना कर फिर बोल देता है कि ये तो हरामी है, ये तो है ही जन्मजात ही हरामी। वो नहीं, वो लड़के नहीं होते जो प्रपोज करते हैं, लड़की मना कर देती है तो बाथरूम की दीवार पे नंबर लिखाते हैं। और फिर रात को दो पैक पीने के बाद फिर कॉल करते हैं, हाँ रितु नहीं नहीं कुछ नहीं जानना था, बस जानना था तुम ठीक हो ना, नहीं नहीं हम मिलने को बोल ही नहीं रहे, हम जानना चाह रहे हैं बस, बात आवाज सुननी थी तुम्हारी। ये हरकतें हैं इनकी। लेकिन दूसरा ऑप्शन कुछ और आइडियलिस्ट लोग मानते हैं कि कहीं से जो मेन चैलेंजर हैं गोपी जी की, ममता बनर्जी। नाउ आई फील ममता बनर्जी इज लाइक गोपी जी इन अ कॉटन साड़ी, सब सेम है, सारी हरकतें सेम है, वही बिगटरी है, वही चीजों को बैन करने की आदत है, वही डिसेंट से प्रॉब्लम है, सब कुछ है, बस वो बांग्ला में बोलती है इसलिए मीठा लगता है, बोलती है मार देंगे हमको लगता है हाँ क्या बात। एंड द थर्ड द मेन चैलेंजर इन दिस इलेक्शन, 15 साल से लॉन्च हो रहे हैं जैकी भगनानी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, राहुल। The prime option for many, many people. Now the problem is, he's the kind of a guy जो घर पे बैठ के गांजा फूक के Netflix देख रहे होते ज्यादा खुश होते जीवन में, Instagram पे होते ज्यादा follower होते जितने अभी हैं उससे। लेकिन और वो वही करने वाले थे 2014 के बाद, लेकिन गोभी जी ने और अर्नब ने जो चाबी लगाई कि ये तो लूजर है, ये तो ये है वो है, उसने बोला अच्छा हम दिखाते हैं आ रहे हैं। कुछ और कुछ होना हो उसका कमिंग ऑफ एज हो गया इस इलेक्शन में। तो वो बंदा उसकी प्रॉब्लम क्या है, द वे ही हैज कम नाउ, ही सडनली ही हैज बिकम हिंदू, राइट? शिव भक्त बन गए हैं, वो अपना गोत्र दिखा रहे हैं, वो जनेऊ दिखा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है वो जिसके सामने खड़े हैं वो भस्म रगड़ के खड़ा है। वो उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है, उसमें मत घुसो, कुछ नहीं होगा। दिख रहा है किराए की धोती पहन के आए हो, दिख रहा है शिव मंदिर में घुस रहे हो, शिव जी तुमको देख के बोल रहे हैं ब्रो तू चीटिंग मत कर, मैं देख रहा हूं मंत्रोच्चार चल रहा है, तू अंदर ही अंदर बोहेमियन रैप्सोडी गा रहा है, मत कर ये हरकत। और उनका जो मास्टर स्ट्रोक है वो क्या लाए हैं, ब्रह्मास्त्र है, अपनी दीदी को ले आए हैं कि दीदी जी आप आ जाओ थोड़ा संभाल लो। उनकी दीदी प्रियंका गांधी का पूछो तो यूएसपी क्या है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस क्या है, इंदिरा गांधी जैसी दिखती है, तो वो तो सुनील ग्रोवर भी दिखता है, वो तो जयराम रमेश भी दिखते हैं, बल्कि जयराम रमेश तो कांग्रेस में है ही इसलिए क्योंकि वो इंदिरा गांधी जैसे दिखते हैं। चुनाव का महीना है मच गया शोर, चुनाव का महीना है मच गया शोर, फिर आया है
to choose who will screw us more.